हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोगों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और 2 तारीख से नवरात्रि शुरू हो चुके हैं, तो आज है नवरात्रि का पहला दिन और मैंने और मम्मी जी ने व्रत रखा है। तो मैं तो हमेशा पहला और आखिरी नवरात्रि का व्रत रखती हूँ, लेकिन मम्मी जी शुरू से ही पूरे 9 व्रत रखती हैं। तो आपने देखा ही होगा कि जो मेरा ये मंदिर नीचे रखा हुआ है, पहले मैंने ऊपर रखा हुआ था ये, तो मम्मी जी बता रही थी कि दिशा भी गलत है और दूसरी बात कि मेरे पे खड़ा होकर पूजा नहीं की जाएगी, तसल्ली से बैठ के पूजा कर पाऊँगी। तो इस वजह से मम्मी जी ने थोड़ी सी जगह ना फ्रिज के पास ही बना के वहीं पर रख दिया है मंदिर। हम लोग रात में दुकान से लेट आए थे, फिर खाना पीने में समय लग जाता है, इस वजह से हम रात को मंदिर नहीं लगा पाए थे और इस टाइम सुबह लगा रहे थे। तो ये दुकान पे जा रहे थे और मम्मी जी नहा ली थी, मैं भी नहा ली थी और मम्मी फ़िलहाल जो मंदिर की सेटिंग कर रही थी। तो ये पूरा मंदिर पहले मम्मी ने अच्छे से गीले कपड़े से पोछा है और ऊपर से भी पोछा है। मैं इसे सजा तो पाई नहीं इस बारी, क्योंकि मतलब देखिए व्रत त्यौहार तो आते जाते रहते हैं, चाहे कुछ भी घर में मतलब खुशी का माहौल हो या मतलब दुख का माहौल हो, लेकिन हम लोगों को अपने तीज त्यौहार पूजा अर्चना व्रत वगैरह ये सबको का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो और इसी तरीके से हमने व्रत भी रख लिए। तो यहाँ पे मम्मी जी जो हैं वो लोटा मतलब जो कलश कहते हैं जिसे, वो सेट कर रही थी। तो कलश में 5 चीज़ें डाली जाती हैं, सिक्का, चावल, रोली, जायफल और सुपारी वगैरह जो भी है वो डाल के, और उसके ऊपर पत्ते रख के फिर नारियल को चुन्नी बांध के रखा है। और जो जला रही थी, तैयारी कर रही थी, इतने में इधर उधर का काम जो है निपटा रही थी, क्योंकि फिर उसके बाद दुकान पे भी जाना था। और यहाँ मम्मी जी जो है दीवा बना रही हैं, बत्ती बना के दीवे में लगाएंगी। तो बस यही चल रहा था हमारा। और क्या बोलते हैं, मैं इस पर ही अच्छी तरीके से मंदिर नहीं सजा पाई। मेरा मन तो था सजाने का, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि घर में पापा जी के जाने के बाद ये सब करना आसान तो नहीं था, लेकिन व्रत वगैरह रखा है बस हमने, और कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने आरती गा रहे थे और साथ ही बैठ के पूजा कर ली थी। उसके बाद पूजा करने के बाद हम लोग प्रसाद वगैरह माता जी को चढ़ा के ऊपर जल दे के आए थे। और सुबह शाम की ये पूजा बाकी इसी तरीके से होती है। अंगारी बहुत ज़रूरी होती है इस पूजा में, सभी को पता होता है। खैर, तो बस पूजा करने के बाद हम लोग अपना जो मेरा काम है बाकी वो करूँगी सुबह उठ के। वैसे मैंने सबसे पहले झाड़ू लगा दी थी, फिर पोछा लगा दिया था, और कपड़े तो हम जैसे साथ मतलब नहाते हुए साथ साथ ही धो देते हैं। मम्मी जी अपने भी धो के डाल देती हैं और मैं अपने और इनके धो के डाल देती हूँ। तो मतलब मम्मी को किसी और के हाथ से कपड़े धोने पसंद नहीं है, धुलवाने, क्योंकि वो अपने तरीके से धोती हैं कपड़े, तो उन्हें अपने हाथ के धुले अच्छे लगते हैं।
इसलिए वो अपने हाथ के कपड़े धो के डाल देती हैं और फिर मैं डाल देती हूँ धो के, तो इस तरीके से थोड़ा काम निमट जाता है जल्दी। और देखिए यहाँ पे हमारी पूजा अर्चना सब हो चुकी है और कुछ इस तरीके से हमने मंदिर सजाया था। तो फिलहाल हमारा थोड़ा सिंपल सा ही मंदिर पूजा करने के लिए इस तरीके से रखा है मैंने। और यहाँ फिर पूजा वगैरह करने के बाद मैं इनकी सब्ज़ी छौंक रही थी, क्योंकि इनका तो फास्ट नहीं था, तो जो आलू उबाले थे उसमें से ही मैं इनके लिए 2-3 आलू की सब्ज़ी बना रही थी। तो मैं प्याज तो नहीं डाल रही थी, क्योंकि आप लोग हमेशा नवरात्रि में कहते हैं कि प्याज लहसुन का परहेज करना चाहिए, तो मैं सिर्फ टमाटर और हरी मिर्च में इनकी सब्ज़ी छौंकने जा रही हूँ। तो बस यहाँ फ्राई पैन रख दिया और थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दिया है, और तेल के गर्म होते ही हींग जीरा डाल के ये टमाटर और हरी मिर्च का जो ये बनाया मैंने इसको मतलब घिसा था वो डाल दिया है, और उसमें नमक हल्दी मिर्च धनिया डाल के इसको थोड़ा सा भून लूँगी। और भून के फिर मैं इसमें जो बॉईल करे हुए आलू हैं वो डाल के इनको थोड़ी देर मसाले के साथ अच्छे तरीके से भून लूँगी, ताकि ये भी थोड़ा सा ऑयल सेपरेट कर दें और मसाले में अच्छे तरीके से भुन जाएं। और बस उसके बाद ये भुन चुके थे तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है पानी। और आप लोगों को बाहर से आवाज़ आ रही होगी, क्योंकि मैं नीचे बैठ के मतलब वॉइस ओवर कर रही थी और ऊपर मम्मी सो रही थी और नीचे मैं थी, तो इस वजह से थोड़ी सी आवाज़ शोर आ रहा होगा आपको, बाहर काम चल रहा है इस वजह से। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल उबाल लग चुका है, और मैंने धनिया काट के रखा हुआ था उसको भी मैंने डाल दिया है, और इनकी सब्ज़ी हो गई है तैयार। तो मम्मी जी को जाना था दुकान पे पहले, और इसी वजह से मैंने फिर जो आलू थे वो छौंक दिए थे, आलू वगैरह छौंक के मैंने रख दिए थे। अब मैं अपने आलू भी छौंकने जा रही हूँ। तो यहाँ छोटे छोटे आलू मैंने उबाले हुए थे, उनको फोड़ के इस तरीके से नमकीन आलू छौंकूँगी। और वैसे मम्मी जी मतलब तुरंत ही नमक का नहीं खाती हैं, पहले उन्होंने चाय के साथ बूरा वगैरह जैसे मीठा मिला के खा लेते हैं वो खाइए, उसके बाद उन्होंने आलू खाए थे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में घी डाल लिया था, और कहते हैं जो नवरात्रों का खाना होता है वो रिफाइंड या फिर सरसों के तेल में नहीं बनाना चाहिए, तो घी का ही उपयोग करना चाहिए, तो इस वजह से घी का ही मैं उपयोग कर रही हूँ। और हमारे यहाँ वैसे भी घी में ही बनाते हैं, चाहे गाज़ियाबाद हो चाहे मेरठ हो। तो जीरा और हरी मिर्च डालने के बाद इसमें मैंने डाल दिया धनिया, और धनिया डाल के इसमें बर्त वाला नमक डाल देंगे। तो इस टाइम पे नमक डालना सही रहता है, ताकि वो आलूओं में अच्छे तरीके से मतलब घुल जाता है। अगर ऊपर से डालते हैं तो कहीं कहीं ये जो नमक होता है इसमें डली होती है, तो इस वजह से कहीं ज़्यादा हो जाता है कहीं कम हो जाता है, तो इसको ना घी के साथ ही डालने से अच्छे तरीके से ये घुल जाता है। तो यहाँ पर हमारे आलू बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, और उसके बाद बर्तन हो गए थे, और मैं बर्तन मांजने जा रही थी, वैसे ही पता लगा कि टंकी में पानी ख़त्म हो गया है और टंकी खाली हो गई है। तो बस मैंने थोड़ा बहुत जो पानी आ रहा था उसी में बर्तन फटाफट से मांज लिए हैं, और उसके बाद हैंडपम्प से पानी भर के हमने थोड़ा काम चलाया अपना जब तक पानी नहीं आया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। तो फ्रेंड्स मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।